अंतर्राष्ट्रीय कल की सद्युगी विश्व अहिंसा परमो धर्म ने अपना द्वितीय स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई, तत्पश्चात कौमी एकता संबंधी गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर माता वनखंडी धाम के महंत भगवान दास एवं विशिष्ट अतिथि जम्मू कश्मीर के सर्व धर्म प्रेमी डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर रहे। कार्यक्रम में वाल्मीकि पंथ के सैकड़ों संतों के साथ हजारों सर्व धर्म प्रेमी लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में शहर में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों संतों के साथ कल्कि विश्व धर्म रक्षक कैलाश मोहन के साथ हजारों कल्कि भक्तों ने लोगों को कौमी एकता प्रेम भाईचारे का संदेश दिया। दोपहर आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर से आए महंत भगवान दास ने सत्कर्म और सेवा का मानव धर्म बताया एवं डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर ने कहा कि अल्लाह ईश्वर एक ही, धर्म इंसानों को इंसानियत सिखाता है, नफरत नहीं। कुरान और पुराण एक ही ईश्वर का ज्ञान देती है। हम सबका मालिक एक है। कल्कि विश्व धर्म रक्षक ने आयोजन में सभी साधु संतों को कोटि कोटि नमन करते हुए सर्व धर्म प्रेमी लोगों को हृदय से स्वागत करते हुए बताया कि मनुष्य के जीवन में कर्म प्रधान है। मनुष्य को ईश्वर से ज्यादा कर्म करने की ज्ञान की जरूरत है। धर्म गुरुओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की जरूरत है। ईश्वर इंसानों में निवास करता है। सबकी सेवा सबसे प्यार ही मानव धर्म है। कार्यक्रम के अंत में हजारों असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। इसी के साथ मैं सबको संदेश देना चाहूंगा कि ग्रह लक्ष्मी की एक लक्ष्मी माता शक्ति ही आप सब भगवान शिव जी का स्वरूप है। सबके सब भगवान शिव जी का स्वरूप है और माता शक्ति ही आपकी पत्नी बनकर आती है। माँ लक्ष्मी आपकी पत्नी बनती है, इसलिए पत्नी को लक्ष्मी के समान समझना चाहिए। उसे ग्रह लक्ष्मी नाम दिया गया है तो सभी अपनी पत्नी का सम्मान करें। तो आपके घर में सुख शांति वैभव और समृद्धि की बरसात होगी और धरती पर ही आपको स्वर्ग के साथ सुख प्रदान होगा। तो इसी के साथ में आपको मैं परिचय कराने जाता हूं कि हमारे बीच में जो महान संत विराजमान है मंच पर, जहां सीता माता ने, हमारे संत बड़े बहुत बड़े संत है, जो भगवान ने माता सीता का जब त्याग किया था तो वाल्मीकि संत जी ने माता सीता की सेवा की थी। एक बेटी के रूप में माता सीता को अपने पास रखा था। जब राम जी ने माता का त्याग किया था तो मां ने अपनी सती प्रतीक्षा देने के लिए, वो परीक्षा देने के लिए जमीन में समाहित हो गई थी। उसी जगह जम्मू में आप, जहां सीता माता जमीन में समाहित हो गई, ये संत महाविराजमान है 35 सालों से जो सीता माता के चरणों में है और सीता माता की सेवा कर रहे हैं। और सीता माता का इन्हें आदेश हुआ कि बेटा तू उठ। सपने में आई सीता माता, बोली कि तुम भागड़ प्रांत में जाओ, परमात्मा का अवतरण हुआ है, उन्हें जम्मू में लेके आओ। तो भागड़ प्रांत का जो अपना आध्यात्मिक ग्रंथ है वो हमारे जम्मू कश्मीर से जुड़ा।
ना ये भारत भूमि पे शांति आएगी, ना ये समाज सुखी हो सकता है कभी भी। यदि सुख चाहते हैं, एक बहुत उच्च प्राणियों की प्रजाति में, मतलब एक उच्च श्रेणी में ईश्वर ने हमें जगह दी। वैसे तो ईश्वर ने इंसान के अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु बनाए हैं, उनके अंदर भी बुद्धि है, उनका भी अपना अपना जीवन है, लेकिन इंसान उनसे अलग क्यों है? ईश्वर या खुदा बोलो, जैसे पानी है, जाना चाहिए कर्तव्य का सबसे पहले। जम्मू कश्मीर की शान महंत भगवान दास जी, और यहाँ पे और भी जितने भी अतिथि आए हुए हैं, हर एक ईश्वर की उस महिमा, उस परमात्मा, उस ईश्वर के की प्राप्ति के लिए, उसकी खोज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार है। क्या आप और हम भी तैयार हैं? ठीक को शांतिपूर्ण करने के लिए आपको 3 बार ओम शांति बोलूंगा। पहली बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार से आप बोलेंगे। नया युग आ रहा है और सुन ला रहे हैं ये साधु संत, त्याग तपस्या दोनों धाम से अलग जगह करके युग को देखो। स्वागत करने के बाद शांति से विराजना है। सुन सब सामने देखो कैमरे के। कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी लोग भैया तू अंदर बैठा।